Hello friends, welcome to my channel. This is Sunil Nikhre with another video. Today I am drawing nose, moustache and lips with using brush and rubber and charcoal pencil and some graphite pencil and one charcoal chalk. So let's get started. Friends, यहाँ मैं HB pencil से shading कर रहा हूँ. उसे blend करने के लिए brush use कर रहा हूँ. यहाँ paper stump use नहीं करूँगा मैं, क्योंकि उससे स्मूथ ब्लेंडिंग नहीं होती है. यहाँ मेरे पास कार्ट्रिज पेपर है, तो उसमें ब्लेंडिंग स्टम्प से इतनी ज़्यादा स्मूथ ब्लेंडिंग नहीं हो पाती है. यहाँ फिर से मैं HB पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ और उसे ब्रश से ब्लेंडिंग कर रहा हूँ. फ्रेंड्स, यहाँ मैं HB पेंसिल से लाइट शेडिंग कर रहा हूँ और उसके ऊपर से ब्रश से ब्लेंड कर रहा हूँ. अब ये याद रखना कि आप ब्रश से ही ब्लेंड करें. यहाँ मैं 2B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, उसके ऊपर से ब्रश से ब्लेंड कर रहा हूँ. फ्रेंड्स, यहाँ मैं चारकोल चॉक की मदद से जहाँ जहाँ डार्क एरियाज हैं वहाँ पे ब्लेंड कर रहा हूँ. उसके ऊपर से चारकोल पेंसिल चला रहा हूँ जहाँ डार्क एरियाज हैं. फ्रेंड्स, अगर आपको रियलिस्टिक स्केच चाहिए तो आप लेयर बाय लेयर जाना. पहले HB, 2B, 3B ऐसे ऐसे फ्रेंड्स आप जाओगे तो आपका स्केच रियलिस्टिक लगने लगेगा. फ्रेंड्स, यहाँ मैं नीडल इरेजर की मदद से उसे हाईलाइट कर रहा हूँ. फ्रेंड्स, यहाँ मैं चारकोल पेंसिल की मदद से स्ट्रोक लगा रहा हूँ, उसके बाद ब्लेंड कर रहा हूँ. और यहाँ फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गई है. कंप्लीट हो जाने के बाद नीडल इरेजर की मदद से जहाँ जहाँ वाइट एरियाज हैं उसे हाईलाइट करूँगा. लिया चारकोल पेंसिल, उसके ऊपर से चलाऊँगा और फिर उसके बाद ब्लेंड कर दूँगा. सेकेंड लेयर कंप्लीट हो जाने के बाद फिर से नीडल इरेजर की मदद से उसे हाईलाइट करना है. फ्रेंड्स, कोई भी स्केच बनाने के लिए आपको पेशेंट रखना होगा, जिससे कि आपका स्केच परफेक्ट दिखे. स्मूथ ब्लेंडिंग के लिए आप ब्रश ही यूज करें. फ्रेंड्स, यह हमारा स्केच कंप्लीट हो चुका है. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन.